चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी स्वागत करते हैं आपका अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों लगातार आपके लिए चैप्टर्स आते जा रहे हैं और अब हम लेकर आ चुके हैं आपके ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला चैप्टर का ब्रीफ, किस तरह से लर्न करना है। चलिए देखते हैं। अब हमने क्वेश्चन क्या लिया है कि राइट अ कंपैरेटिव नोट ऑन द अर्बनाइजेशन इन ब्राजील एंड इंडिया। और ब्राजील और इंडिया पे हमें क्या करें, अर्बनाइजेशन पे कंपैरेटिव नोट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या, ब्राजील देखो ऊपर की तरफ दिया और इंडिया नीचे की तरफ दिया, तो क्या लिखोगे? तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन ब्राजील इज कंपैरेटिवली हायर देन द इंडिया एंड इन इंडिया द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज कंपैरेटिवली लोअर देन ब्राजील। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच यू हैव टू नोट व्हाइल राइटिंग फॉर दिस आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्या, 2010 में कितना, 84.6%। अब याद रखना 2010 है तो कहां पे होगा, वो आपका दोस्तों होगा ब्राजील में। अगर 2011 है तो इंडिया में। समझ में आ गया, इन 2011 द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वॉज ओनली 31.2%। ऑन द अदर हैंड इन 2010 द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज 84.6% इन ब्राजील। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, थर्ड पॉइंट ये आएगा इंक्रीज। अब इंक्रीज कितना हो ब्राजील और इसमें, किसमें, आपके इंडिया में। ठीक है, इन इंडिया का रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज फ्रॉम कितना, 18% कभी था 1961 में, कितना बड़ा 31 पॉइंट, कितना बड़ा, देखो यहाँ पे हमने 2 लिखा है, कभी हुआ 2011 में। ठीक है, इन इंडिया द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज 18% इन 1961 टू 31.2% इन 2011। ठीक है, अब वही ब्राजील की बात करो, इन ब्राजील द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज फ्रॉम 47.1% इन 1960 टू 84.6% इन 2010। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब इन कंटिन्यूसली, अब इंडिया में क्या था, जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन था कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यानी 1961 से 2011 तक क्या बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ रहा था। समझ में आ गया। अब वही अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग, क्या याद रखेंगे, अब इन इंडिया द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज विथ फ्लक्चुएटिंग रेट, कभी कम हो जाता था थोड़ा, फिर कभी बढ़ जाता था, कम हो जाता बढ़ जाता, लेकिन बढ़ रहा था। ठीक है, एक प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर रेट नहीं था बढ़ने का, जैसे दो सौ बढ़े फिर 200, ऐसा कभी 200 बढ़े थे, 100 बढ़े थे, 200, कभी 50 बढ़े थे, ऐसे बढ़ रहे थे। समझ में, फ्लक्चुएटिंग रेट था। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब वही अगर मैं बात करूं ब्राजील की, तो ब्राजील में जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन वो इंक्रीज हुआ 1961 से लेकर 2010 तक, और वही ब्राजील में जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज किया 1960 से लेकर 2000 तक डिमिनिशिंग रेट में क्या इंक्रीज हुआ। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे भाई, आ जाओ। राइट ए डिटेल अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया। अब क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया दोस्तों एक डिटेल लिखने के लिए, किसके बीच में, ह्यूमन सेटलमेंट के बीच में, वेराइटी इन पैटर्न। सबसे पहली चीज वेराइटी इन पैटर्न लिख लो, ए भाई, वैरायटी इन पैटर्न्स, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट, डेंस ह्यूमन सेटलमेंट और डिस्पर्स ह्यूमन सेटलमेंट। इतनी चीजें क्या क्या याद रखोगे, वैरायटी इन पैटर्न्स, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, फिर उसके बाद क्या याद रखोगे दोस्तों आपका, स्कैटर्ड सेटलमेंट, फिर उसके बाद डेंस ह्यूमन सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट। क्या, डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले वैरायटी इन पैटर्न्स, There exist variety in patterns of human settlements in India. ठीक है, variety of patterns in human settlements. क्यों है, चलो देखेंगे अभी। ठीक है, variety बहुत सारी चीजें, climatic condition में, availability of water में, फिर land की fertility पे, फिर उसके बाद level of development और human settlements, इस वजह से क्या अलग अलग दिखता है। क्या, पहले variety of patterns exist in India for the human settlement. वैरायटी इन क्लाइमेट, फिर वैरायटी इन सॉइल, वैरायटी इन लैंड फर्टिलाइज, फिर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इस वजह से क्या ह्यूमन सेटलमेंट्स का वैरायटी में दिखता है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर अगर मैं बात करूं आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स का है, आपका इन द रिवर बेसिन, रिवर बेसिन ऑफ गंगा, नर्मदा, गोदावरी। क्या, इन द रिवर बेसिन ऑफ गंगा, नर्मदा और गोदावरी, वहां पे कैसा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स क्या देखा जाता है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। फिर जो दूसरी चीज ध्यान रखनी है वो क्या है, scattered settlements कहाँ दिखे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान। On the other hand, in the hot and arid area of the Thar desert, क्या Thar desert में क्या scattered human settlements क्या दिखे जाते हैं। सबसे पहली चीज nucleated settlements कहाँ पे होते हैं, आपके गंगा रिवर प्लेन basins पे, गंगा, नर्मदा और गोदावरी पे, जहाँ पे nucleated settlements होते हैं। scattered कहाँ पे, hot and arid area of scattered human settlements in India, ठीक है। अब साथ ही साथ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे भी देखे जाते हैं। अब यहाँ पे डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पे देखे जाते हैं, क्या है दोस्तों, डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पे देखे जाते हैं, चलो देखते हैं। डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स आज देखे जाते हैं आपके प्लेट्यू,
प्लेट्यू में रीजन में देखा जाता है, नर्मदा वैली में देखे जाते हैं और पैडिक लैंड्स में दिया जाते हैं। कहाँ 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 ह्यूमन सेटलमेंट्स आपके कहाँ कहाँ दिखे जाते हैं? डेंस वाले प्लेट्यू रीजन में, नर्मदा वैली में और पैडिक्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है डेंस ह्यूमन सेटलमेंट। डिस्पर्स ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको दिखे जाते हैं डेंस फॉरेस्ट कवर्ड रीजन में, ट्राइबल पार्ट होते हैं सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान में, तो यहाँ पे देखा जाता है। समझ में आ गया? तो वैरायटी इन पैटर्न्स याद रखो, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट, डेंस सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट। इस तरह से आपको क्या रखना है, पूरा आपका जो आंसर है आपको लिखना है दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, आपको बात करूं, राइट अ नोट ऑन द अर्बन अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। दो मिनट, हाँ, अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो देखो, अब जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कहां पे पाई जाती है? आपके अर्बन पॉपुलेशन जो ज्यादातर पाई जाती है आपके सदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है? ये लिखा है देखो, इन इंडिया द अर्बन पॉपुलेशन इज सीन टू बी कंपैरेटिवली इन मोर इन द स्टेट्स ऑफ द सेंट्रल एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा। हाँ देखो, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, समझ में आ गए? इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्यों। और अर्बन पॉपुलेशन कहां पे कम दिखी जाती है? आपके वही नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो होती है इंडिया की, उसमें दिखी जाती है। फिर उसके बाद दो मिनट, हाँ, यहां पे देखो, अब जो स्टेट से, अब यहां पे क्या दिया, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट 0-40%। यहां पे क्या दिया दोस्तों, यहां पे ये दिया हुआ है कि जो त्रिपुरा लोकेटेड हैज कितना है, जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यानी नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्ट वाले पार्ट जो है वहां पे जो अर्बन पॉपुलेशन 0-40% है। अब नॉर्दर्न में क्या आते हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ये सब क्या नॉर्दर्न पार्ट में होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में क्या आते हैं, मेघालय, आसाम, आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन 0-40% के बीच में। वही अगर मैं बात करूँ जो यूनियन टेरिटरीज, कौन सी, चंडीगढ़ और एन सिटी ऑफ दिल्ली, क्या लिखा है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, उनमें कितनी है, 81-100% तक है। तो यही सारी चीज आपको लिखनी है दोस्तों, ठीक है? फिर उसके बाद गुजरात, अब जो गुजरात जो है कहां पे लोकेट है, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में लोकेट है, तो वहां पे क्या 41-80% क्या आपका अर्बन पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद सदर्न पार्ट में कितना है दोस्तों, जो सदर्न पार्ट की अगर मैं बात करूं आपके, हाँ, जो हाँ, जो स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, वहां पे क्या, जैसे सदर्न पार्ट में महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे सदर्न पार्ट में तो कितना है, 41-80% आपका लोकेटेड है। और वही लक्षद्वीप आइलैंड की बात करूं तो 61-80% क्या अर्बन पॉपुलेशन क्या लोकेटेड है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब चलो अब आगे बढ़ते, अब आगे क्या आएगा दोस्तों, आगे है आपका दोस्तों ये रहा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट। सही बात है दोस्तों, और वाटर क्या हमें सेटिस्फाई डेली नीड्स, ठीक है, वाटर क्या करता है, ह्यूमंस की डेली नीड्स क्या सेटिस्फाई करता है। फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर याद रखना है। अब सेटिस्फाई नीड्स से आप लोग क्या याद रखोगे, ये ह्यूमन बींग्स रिक्वायर वाटर टू सेटिस्फाई वेरियस डेली नीड्स, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज। सही बात है, और सेटिस्फाई डेली नीड्स क्या करता है, वाटर इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डेली नीड्स एंड वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल पर्पज, ठीक है? अब वाटर की अनअवेलेबिलिटी होती तो क्या होता है, ड्यूटी अनअवेलेबिलिटी वाटर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डू नॉट फ्लरिश एंड इट अफेक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट डू नॉट ग्रो इन सच एरिया। जहां पे पानी नहीं रहेगा वहां पे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ग्रो नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहेगा तो वहां पे लोग रहेंगे क्या, नहीं होंगे। समझ में आ गया? अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज होते हैं वो डेवलप हो जाता है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाती है और इसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट का उस एरिया में बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, अगला क्वेश्चन अगर बात करूं, इन ब्राजील मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, ऐसा क्यों? अब ईस्टर्न कोस्टल एरिया सबको ध्यान में रखना है कि इनिशियल जो सेटलमेंट यानी शुरुआती दौर में जो सेटलमेंट था वो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में ही क्या ब्राजील के हुआ होता था दोस्तों। समझ में आ गया? अब वही अगर मैं बात करूं दूसरा पॉइंट क्या, फेवरेबल फैक्टर्स। अब वहां पे बहुत सारे फेवरेबल फैक्टर्स है, जैसे प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, मिनरल के डिपॉजिट अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट और रेगुलर पावर सप्लाई क्या वहां पे अवेलेबल है, तो कोई भी इंसान वहां पर रहना ज्यादा पसंद करेगा, मे भी होता तो मे भी रहता, ठीक है? ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, अब इस फेवरेबल फैक्टर की वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रीज क्या बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है उस रीजन में। इस वजह से जो ब्राजील में जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज पे क्या पाई जाती है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे बढ़ते, आगे क्या है दोस्तों, आगे है आपका,
ये वाली चीज कि सेटलमेंट आर स्पार्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील. अब नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील में जो सेटलमेंट है वो कम क्यों है, स्केर्स क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है? तो पहले रेन शैडो रीजन है, 600 mm क्या होता है कि बारिश रहती है, उसको ड्रॉट प्रोन जोन एरिया भी कहा गया, स्केंटी रेनफॉल होता है. तो चलो यहां पे बात करते हैं सबसे पहली चीज. अब लिख दो कि किसकी बात हुई, नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील की, तो लिख देना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील इज अ रेनी शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया रीजन है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन द रीजन इज ओनली 600 mm, देयरफॉर दिस रीजन इज कंसिडर्ड एज द ड्रॉट प्रोन. क्या कहा जाता है? ड्रॉट प्रोन कहा जाता है. समझ में आ गया? पहला, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील इज रेन शैडो रीजन. The amount of annual average rainfall in this region is only 600 mm. Therefore, this region is considered as the drought prone zone. अब due to scanty rainfall, जो agriculture है वो ज़्यादा develop नहीं है. Obvious ही बात है, जब rainfall नहीं होगा तो agriculture ज़्यादा develop नहीं है. जो industries वो भी क्या ज़्यादा develop नहीं है. इस वजह से यहाँ पे जो settlements है वो sparse है. इतनी चीज़ें clear हो गई. अब last का एक question है. Last का एक question में क्या है दोस्तों, चलो देखते हैं. यहाँ पे दिल्ली और इसके बारे में बताया, चंडीगढ़ के बारे में, तो यहाँ पे पॉइंट्स तो नहीं काम आएंगे हमारे, पॉइंट्स देखते. अब यहाँ पे दिखा क्या लिखा, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज लो इन द अदर पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया. क्या बोला गया है कि दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ के बाकी सारे जो पार्ट है नॉर्थ इंडिया के, उसमें क्या किया गया दोस्तों, उसमें ना दोस्तों क्या किया है, जो रिंग अर्बनाइजेशन का जो वो कम है. ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया कवर्ड बाय मोस्ट ऑफ बाय हिमालयन रीजन. तो हिमालयन रीजन याद रखना, क्या याद रखना, हिमालयन रीजन क्या है, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ ऑल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज कवर्ड बाय द हिमालयन रीजन. ठीक है, अब ड्यू टू माउंटेनियस, अब माउंटेनियस रीजन की वजह से क्या होता है, माउंटेनियस रीजन लिख दो पॉइंट. क्या याद होता है कि जो एग्रीकल्चर तो डेवलप नहीं, ट्रेड नहीं डेवलप है, कॉमर्स इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्या डेवलप नहीं, इसलिए अर्बनाइजेशन क्या बहुत ही ज्यादा कम है आपके नॉर्थ इंडिया में. इतनी चीजें क्लियर हो गई. अब दिल्ली और चंडीगढ़ कहाँ आता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में लाई करता है. कहाँ पे लाई करता है, दिल्ली और चंडीगढ़ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में. क्या दिल्ली हम सभी जानते हैं हमारे इंडिया का क्या कैपिटल है, तो लिख दो चंडीगढ़ किसका कैपिटल है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है, तो वो लिख दो. और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक्स, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, वो क्या दिल्ली और हरियाणा में सिचुएटेड है. इस वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है दिल्ली में और चंडीगढ़ में हाई है. तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई, समझ में आई है तो दोस्तों क्या करोगे, वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, फॉलो नहीं किया तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो और वहां पे भी अपना धूम तबाही मचा दो दोस्तों.